गाइस, इंजीनियर कॉन्सेप्ट वापी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर आई सेक्शन ऑफ अ डिफरेंट फ्लेंज। ठीक है, डिफरेंट फ्लेंज की साइज है तो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आगे कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। एन आई सेक्शन, आई सेक्शन कह रहा हैविंग टॉप फ्लेंज डायमेंशन इज गिवन, बॉटम फ्लेंज इज डायमेंशन इज हियर एंड वेव साइज इज हियर। Find moment of inertia of the section about horizontal centroidal axis xx. xx से find out करना है, ठीक है? xx से find out करना है, मतलब ixx find out करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? Figure draw करेंगे, okay? तो figure draw कर लेते हैं। Figure कैसा है? I section है। सबसे पहले तो मैं आपका centroidal draw कर लूँगा ताकि मेरे लिए better है draw करना, ठीक है? पहले क्या है? टॉप फ्लेंज की साइज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? टॉप फ्लेंज की जो साइज दी हुई है वो मेरी दी हुई है कितना? टॉप फ्लेंज का 120 × 15, ये आपका 120 है और ये आपका 15 mm है, ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद से वेव साइज दिया हुआ है, वेव साइज क्या दिया हुआ है? वेव साइज 10 × ये आपका 10 mm हो गया और ये हो गया जो वो हो गया आपका 360, अगर यहाँ पे जा रहा है ये 360 mm हो गया, ठीक है, ये आपको वेव मिल गया। अभी बॉटम फ्लेंज की साइज दिया है, बॉटम फ्लेंज की साइज दिया 200 × 25, ये 200 तक जा रहा है, ये 120 है तो ये 200 तक, ठीक है, और ये जो है वो 25, ओके, ये मेरा कितना है, ये 200 और ये 25 है, ये मेरा इस प्रकार से ड्रॉ हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये वाई एक्सिस तो मैंने ड्रॉ कर दिया है, एक्स एक्सिस यहाँ पर कहीं आता होगा, ठीक है, मैंने रेफरेंस यहाँ पर ले लिया है, ठीक है, इसका रेफरेंस यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ के डिस्टेंस जो होता है उसको क्या बोलते हैं, वाई बार, और ये जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोला जाता है, एक्स। इस सेक्शन में देखो ये साइज है लेकिन ये कितने डिस्टेंस पे होगा ये नहीं पता चल रहा है, ठीक है, अगर ये इक्वल साइज रहता तो हम डायरेक्टली उसका हाफ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ एरिया है जिसके कारण ये डिस्टेंस हमें नहीं पता चल रहा है जिससे इक्वली उसका एरिया डिवाइड हो जाए, तो हमें वाई जो एक्सिस है इसके एक्सिस में तो सिमेट्रिकल दिख रहा है, सब इक्वली दिख रहे हैं, ठीक है, इक्वली दिख रहा है, लेकिन ये सेक्शन से इक्वली है लेकिन कितना डिस्टेंस पे वो नहीं पता चल रहा, मतलब ये एक्सिस से सिमेट्रिकल नहीं है, ये एक्स एक्सिस से सिमेट्रिकल नहीं है बट वाई एक्सिस से क्या है, सिमेट्रिकल है हमारा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, लिख लेते हैं, दिस सेक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट किस एक्सिस है, वाई एक्सिस है, y एक्सिस से अगर सिमेट्रिकल है तो मुझे x बार डायरेक्टली मिल जाएगा, x बार कितना हो जाएगा, जो बड़ा वाला साइज है, ठीक है, रेफरेंस मैंने यहाँ पे लिया ना, अगर रेफरेंस मैंने यहाँ पे लिया होता तो मेरा इसका डिवाइड बाय 2 होता, लेकिन मैंने रेफरेंस अगर लेते तो फिर बाद में इसको प्रॉब्लम हो जाता क्योंकि ये बाहर चला जाता है रेफरेंस से, तो इसलिए मैंने ये लिया और इसका हाफ करेंगे तो कितना होगा, 200 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 100 mm x बार मिल जाएगा, ठीक है, जो y बार फाइंड आउट करना है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, तो y बार को कैलकुलेट करना है तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट, मतलब फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, y बार चाहिए, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे y बार के लिए पहले ले लूंगा पार्ट वन, पार्ट वन कैसा है, रेक्टेंगल है, कैसा है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया इसका फाइंड आउट करेंगे, इस सेक्शन की देख रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, सबसे पहले तो मुझे वाई बार भी चाहिए तभी मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है, तो मुझे A1 चाहिए तो A1 फाइंड आउट करना है, मतलब इसका एरिया, इस सेक्शन का एरिया 120 × 15 करेंगे कितना होगा, 120 × 15 करेंगे कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन करके बताओ, 1800 mm स्क्वायर होगा, ठीक है, फिर उसके बाद से मुझे क्या चाहिए, y1 चाहिए, y फाइंड आउट कर रहा है ना तो y1 चाहिए, तो y1 मतलब हमारा रेफरेंस यहाँ पर है, यहाँ से इसके हाफ तक का डिस्टेंस
मतलब यहाँ से लेके, मैं यहाँ पे आपको पूरा दिखा देता हूँ, यहाँ से लेके ये जो पार्ट है यहाँ से और यहाँ तक जो होगा वो क्या होगा, वाई वन होगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर 25, ये 360 कितना हो रहा है, 25 प्लस ये 360 प्लस इसका हाफ मतलब 7.5, ये सभी ऐड करते हैं तो कितना वैल्यू हो रहा है, 392.5 mm हो जा रहा है। ठीक है, ये पार्ट वन का हो गया केस। फिर उसके बाद से मैं फाइंड आउट करूंगा पार्ट टू, पार्ट टू कैसा है, ये वाला पार्ट भी रेक्टेंगल शेप में है, ये भी रेक्टेंगल शेप में। सिर्फ अभी ये सेक्शन को देखो, ये इतना पार्ट को सेक्शन को देखो, 10 इंटू ये 360 है तो एरिया आपको मिल जाएगा, एरिया क्या मिल रहा है, ए टू 10 इंटू 360 एड कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3600 mm स्क्वायर हो जाएगा। एंड वाई टू, वाई टू इट मीन ये प्लस इसका हाफ, 25 तो पहले हाई है, प्लस इस सेक्शन की बात करें तो इस सेक्शन का हाफ वर्टिकल ले रहे ना, वर्टिकल डिस्टेंस, तो इस सेक्शन 360 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ रहा है, 360 डिवाइड बाय 2 करें तो 180 में ये ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 205 mm आ जाएगा। समझ में आया, उसके बाद से मैं पार्ट थ्री कर रहा हूँ, पार्ट थ्री ये भी कैसा है, रेक्टेंगल ही है, कैसा है, रेक्टेंगल शेप में ही है, तो इसका हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, इसका एरिया क्या होगा, A3 ये टोटल कितना 200, ये कितना है 25, 200 इंटू 25 करेंगे तो 25 × 50 और ये 5000 mm स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद से मुझे क्या चाहिए, Y3 मतलब यहाँ से इसका हाफ 25 का हाफ क्या हो जाएगा, 12.5 mm, ये मिल गया आपको। अभी मैं फॉर्मूला, जो मेरा फॉर्मूला है Y बार के लिए वो क्या है, तीन सेक्शन है तो तीन, A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3 डिवाइड बाई A1 प्लस A2 प्लस A3 वैल्यू पुट करेंगे। A1 की वैल्यू कितनी है, 1800 इंटू Y1 कितना आया था, 392.5 मल्टीप्लीकेशन करो प्लस सेकंड वाला 3600 इंटू 205 का मल्टीप्लीकेशन करो प्लस अब ये वाला 5000 इंटू 12.5 करो फिर डिवाइड बाई उसका सारा एरिया, पहले का 800 है प्लस दूसरे का कितना है 3600 प्लस 5000, ये कैलकुलेशन करो तो वाई बार आपको मिल जाएगा, वो कितना आ रहा है वाई बार, 144.90 कितना आ रहा है, 144.90 mm आ गया, ये हमारा वाई बार निकल गया। ठीक है, वाई बार निकल गया तो मुझे सिर्फ अभी क्या फाइंड आउट करना है, एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस की बात कर रहा है तो मुझे क्या चाहिए, आई एक्स एक्स चाहिए, आई एक्स एक्स तो क्या होगा, आई एक्स एक्स वन प्लस आई एक्स एक्स टू प्लस आई एक्स एक्स थ्री। ठीक है, तीन सेक्शन है तो तीन मैंने लिया है तो ये पहले इसको सॉल्व करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई एक्स एक्स वन आई एक्स एक्स टू और आई एक्स एक्स थ्री ये दोनों मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहले मैं आई एक्स एक्स वन फाइंड आउट कर रहा हूँ, आई एक्स एक्स वन तो क्या होगा, आई जी वन प्लस ए वन एच वन स्क्वायर। ठीक है, आई जी वन इस सेक्शन की मैं देख रहा हूँ तो ये बी और ये डी तो 120 इंटू विड्थ कितना है 15 क्यू अपॉन 12 प्लस एरिया ए वन कितना है, यहाँ पे देखो ए वन फाइंड आउट किया है 800 इंटू एच वन जो होता है हमारे ये सी जी है उससे यहाँ तक का डिस्टेंस अगर सीधा अगर मैंने वाई वन वाई टू फाइंड आउट किया है ना तो वाई वन माइनस वाई वन कर देने का, वाई वन कितना है आपका, वाई वन 144.90 माइनस वाई वन कितना आया था 392.5 का स्क्वायर कर दो इसमें से माइनस करो। ठीक है, देखो इसमें प्लस माइनस भी आ सकते हैं लेकिन जब स्क्वायर कर देंगे तो हमारा वैल्यू प्लस ही होता है तो इसका स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन इसका फिर बाद में इसका सोल्यूशन ये जब कैलकुलेशन करके लेके आते हैं तो टोटल वैल्यू कितनी आई है, मेरी जो वैल्यू अभी तक आई है वो क्या आई है 110.38 110.38 × 10⁻⁶
mm raised to power 4, ठीक है। उसके बाद क्या फाइंड आउट करना, IXX2 चाहिए। IXX2 के लिए IG2 plus A2H2 square, ठीक है। तो IG2 अभी इसका ये सेक्शन को देखना है, सिर्फ ये सेक्शन को, इसके लिए B A और D A, तो 10 into 360 cube upon 12 plus, अभी ध्यान देना यहाँ पे, इसका क्या होगा एरिया वो लिखा हुआ है 3600, H कितना होगा, H मेन इंपॉर्टेंट है, H क्या है मैंने सिंपल होगा Y bar minus Y2 कर दो, Y bar minus Y bar कितना आ रहा है 144.9 minus Y2 कितना आया था 205 है, का स्क्वायर कर दो, तो आपकी वैल्यू जो भी आ रही है वो वैल्यू को, तो जो मेरी वैल्यू आई है IXX2 वो है 51.88 कितना आ रहा है 51.88 into 10 raised to power 6 mm raised to power 4. फिर नेक्स्ट लास्ट IXX3, उसके लिए क्या होगा IG3 plus A3H3 square, ठीक है। IG3 मतलब इस सेक्शन की बात हो रही है, तो ये B और ये D, ये B कितना है 200 है, 200 into 25 का cube, 200 into 25 cube upon 12 plus area A3 मैंने point out किया है कितना आ रहा है 5000, ओके। एंड एच, एच के लिए वही जो मैंने टेक्निक बताया कि वाई बार माइनस वाई थ्री कर दो, तो वाई बार कितना है 144.9 माइनस वाई थ्री कितना है 12.5 का स्क्वायर कर दो माइनस करके, अब जो इसकी वैल्यू आ रही है मेरी कितनी आई हुई है 87.9 इंटू 10 रेज टू पावर 6 mm रेज टू पावर 4। अभी मैं IXX मुझे फाइंड आउट करना है, तो सारे वैल्यू को मैं ऐड कर दूंगा, दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, ठीक है 110.38 प्लस 10 इज पर 6 कॉमन ही कर लेता हूं, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 51.88 और प्लस ये 87.9 इनटू 10 इज पर 6, ये सारे एडिशन करने पे टोटल वैल्यू कितनी आ रही है 250.16 into 10 raised to power 6 mm raised to power 4, ये मेरा IXX की वैल्यू हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल x एक्सिस का मुझे मिल जाता है IXX। तो इस प्रकार से सॉल्व करो, एक एक पॉइंट को अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को पॉज करके फिर से देखो, दोबारा देखो, ताकि ये आपको एग्जैक्टली अच्छे तरह से आपको समझ में आ जाए, ताकि आपका जो मेन एम है मुझे इसके कॉन्सेप्ट को समझना, वो आप इस तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। तो आई सेक्शन हो चाहे कोई भी सेक्शन हो, देखो एक और सेक्शन आ सकता है जिसमें क्या हो जाता है, यहाँ पे मान लो कोई सर्कल बना दिया, काट के निकाल दिया उस सेक्शन को, तो उसका वो पार्ट को क्या करोगे, जैसे यहाँ पे ऐड करें वो पार्ट को यहाँ पे माइनस करोगे, सेम प्रोसेस सॉल्व करने का यही रहेगा, लेकिन जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो मेरा जो एक्चुअल वैल्यू होगा वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन पर क्लिक करिए, ताकि अपडेटेड वीडियो आप तक पहुंचे। तो थैंक यू।